हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे गिरा हुआ था घोंसला और ये घोंसला लगा हुआ था इस बेल के पेड़ में, जिसको हमने लगा दिया है। आपको दिखाएंगे कैसे लगाया और कितने बच्चे थे, तो देखिए पूरा वीडियो। और हम हैं अम्मा जी के आश्रम में। यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला लगाया हुआ था और ये नीचे गिर गया। इसमें बच्चे भी हैं, क्योंकि सुबह में चिड़िया जब आई हुई थी आवाज़ आ रही थी, तो सासुई बोली कि चिड़िया की आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसा सुने थे, तो चिड़िया की आवाज़ थी, यानी बच्चे इसमें हैं। पर गिरा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। पाँचवा पाँच हैं, पाँच एक, हाँ पाँच ही है, और किसी का पंख है तो इसको मैं उसी जगह रख देता हूँ। और वहाँ से तो गिर गया, इसको बांधना पड़ेगा किसी तरह से। ठीक है, पहले इसको कुछ बांधने का जुगाड़ करता हूँ। तो मैंने उसे घोंसले को इस तरह से बांध दिया है चारों तरफ में, और ये पीछे ऐसे रखा है, इसको डाल में बांधेंगे, और इधर भी एक रखा है तो इसको भी डाल बांधेंगे। ये जो है अंदर की तरफ में छुपा हुआ था, तो बाहर की तरफ नहीं करके ये अंदर की तरफ रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलते हैं, इसको रख देते हैं, क्योंकि बस बहुत देर से गिरा हुआ लग रहा था। बच्चे चू चू की आवाज़ आ रही है कभी कभी, जब हिल जाता है तो उनको लगता है कि मम्मी आ गई। ठीक है, बांध देते हैं इसको। ठीक है, इसको बांधते हैं। और वही जो रस्सी आपको दिखाए थे फोड़ कर रखे थे, उसी को डाली में बांधेंगे। और ये फ्रेंड, अगर आपको कभी भी इस तरह से घोंसला कहीं गिरा मिले या फिर चिड़िया के बच्चे मिले, तो आप उसको कोशिश करें बचाएं, क्योंकि जो प्राकृतिक है उसका बैलेंस बनाए रखना कोशिश हो सके जितना अच्छा रहेगा, अगर बना कर रखेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी जीवन में बहुत मायने रखता है पशु पक्षियों का होना। ये हमारे जीवन को प्राकृतिक बैलेंस जो होता है उसे बना कर रखते हैं। अगर विलुप्त हो जाएंगे तो हम पे भी प्रभाव पड़ता है। और पेड़ पौधे तो बहुत ज़्यादा लोग काटे जा रहे हैं, लगा नहीं रहा है कोई भी, सब काटने पे तुले हुए हैं। तो आप कोशिश तो करें पेड़ पौधे लगाएं, ताकि पक्षियों को अपना घर बनाने का जगह मिले। और नहीं तो कम से कम ऐसी कोई जगह ज़रूर रखें जहाँ पे पशु पक्षी रहें, आके दाना पानी का व्यवस्था रखें। ये कोशिश ज़रूर करें, प्राकृतिक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ये जिम्मेदारी इंसानों की है। क्योंकि सबसे समझदार अगर कोई है तो वो इंसान ही है इस धरती पे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है फ्रेंड। और ये हो गया, इसको अच्छे से सेटल कर देते हैं, ताकि जो उसका घोंसले का मुहाना है जिसमें से चिड़िया घुसेगी वो सही से रहे, आने जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास तो माइक और स्टैंड नहीं है, तो मैं ऐसे ही जुगाड़ से ही काम कर रहा हूँ फिलहाल, तो शायद वॉइस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। अभी हो गया, ये दो घोंसले हैं, किधर है ये, किधर है, तो इसे भी हम इसे देखिए अच्छी तरह से बांध दिए हैं और छुपा भी दिए हैं, ताकि ये किसी पक्षी बड़े पक्षियों की नज़र में नहीं आए। और एक ऊपर में है, देख सकते हैं ये किधर है, ये शायद आपको अब अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसको छुपा दिए हैं, ये है, और एक ऊपर में उधर है। ठीक है फ्रेंड, ओके, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।